दोस्तों कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज है देवउठनी एकादशी, तो आप सभी को एकादशी देवउठनी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या क्या बनाने वाला है देवउठनी में, तो आप लोग जरूर वीडियो पर बने रहना और आप लोग का अच्छा से अच्छा इंटरेस्टिंग खाने वाला व्यंजन दिखाने वाला हूँ जो हमारे यहाँ बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो। अरे बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो, चलो बोलना जल्दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों बोलो, ऐसे बोलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हट, तेरे को बोलने नहीं आता है, जीभ दिखाता है। देख सकते हो दोस्तों अभी माँ लौकी को कद्दूकस कर रहे हैं। लौकी का रोटी बनाएंगे चावल आटा के साथ। तो देख सकते हैं दोस्तों लौकी बड़ा बनाने के लिए हम लोग प्याज लिए हैं कटा वाला, नमक, करी पत्ता, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, अचार मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और यह है राई सरसों, देख सकते हो। अब यहाँ डाल देते हैं पकने के लिए। लौकी हल्का सा पक जाए ऐसा पकाना है दोस्तों। लौकी का पानी निकल जाए बाहर ऐसे पकाना है। नमक स्वाद अनुसार, मसाला कोई अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और ऑल प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहो, आप लोग का अच्छा से अच्छा रोटी व्यंजन देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अब चलो दोस्तों मिक्स कर लेते हैं अच्छा से और पकाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों लौकी अच्छा से पक चुका है। अब कितना अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों, ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही खा जाऊं सभी को। अब इसमें चावल आटा को डाल देते हैं दोस्तों ताकि वो भी हल्का हल्का पक जाएगा गरम गरम। ठंडा होने के बाद मिक्सर पानी डालने की जरूरत नहीं दोस्तों, लौकी के पानी से ही आटा फिटा जाएगा। नया चावल का है दोस्तों आटा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो आटा को मिक्स कर लिया हूँ लौकी के साथ में। आटा कितना ही डालना है दोस्तों कि लौकी लपटा जाए, इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को गोल गोल ऐसे बना के रखना है ताकि तेल गर्म हो जाए फिर डालने में आसानी हो जाए, देख सकते हो। तो ये लौकी का रोटी है दोस्तों, देख सकते हैं लौकी बड़ा का। ये नया चावल का आटा है दोस्तों जिसमें हम लोग दूध, तिली और चीनी डाले हैं मीठा वाला, इसको नमकीन भी बना सकते हैं दोस्तों। देख सकते हो माँ बना रही है अभी दिया, क्योंकि जेठनी त्यौहार में ऐसी बनाते हैं दोस्तों। और हरा भी बनाएंगे, देखना आप लोग को एक बना के दिखाएंगे। जेठनी त्यौहार का फेमस व्यंजन रोटी है दोस्तों जिसको हम लोग हरा बोलते हैं। कांदा भी डालेंगे दोस्तों उबालने के लिए, उसी में ऊपर कपड़ा बांध के भाप में वाष्प में पकाएंगे हरा को, देखना आप लोग वीडियो पर देख सकते हैं दोस्तों हरा बना लिए माँ। ठीक है आप लोग वीडियो पर बने रहो। तो ये वाला गंजी में पानी और कांदा डाल दिया है दोस्तों अंदर में, कांदा भी पकेगा और पानी भी बॉईल होगा, तो उसके भाप से ये वाला ऊपर वाला भाग में जो फरा बना रहे हैं उसको डालेंगे यहाँ, फिर उसी भाप से ये पक जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ ऊपर में रखेंगे इस टाइप में इसे। ये
सीधा खाएंगे दोस्तों, उसके बाद ऊपर में कुछ ढककर रख देंगे ताकि अच्छा से पक जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहो। तो देख सकते हैं दोस्तों, गैस में चढ़ा दिया हूँ गर्म होने के लिए, इसमें डाल दिया हूँ हरा धनिया को बना के, अब इसको ढक देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको ढकता हूँ ताकि जो भाप है वाष्प वो पास मत हो, वही पक जाए जल्दी से अच्छा से। इस टाइप में ढक देते हैं। तो दोस्तों, पानी गर्म होने के बाद 10-15 मिनट हो चुका है दोस्तों, जो पका रहे हैं फरा को, अब निकाल के देखते हैं पका है कि नहीं। तो हमारा फरा बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हो लगभग 15-20 मिनट हो चुका है। अब इसको निकालते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा फरा बन के तैयार हो चुका है। तो इसी प्रकार से जितना बनाया है कच्चा वाला, उसको यहाँ डालेंगे दोस्तों, हो चुका है। अब आप लोग को कांदा दिखाता हूँ, जो डाल कांदा डाले उबालने के लिए उसको, देखो डांग कांदा वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप लोग वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। इस प्रकार से बांधते हैं दोस्तों कपड़ा, देख सकते हो। आप लोग को कांदा दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों अच्छा से बॉईल हो चुका है, बढ़ गया है अच्छा से डांग कांदा भी, देख सकते हो ये पूरा चम्मच गड़ गया है यहाँ। अब निकाल देंगे दोस्तों इसको भी। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो, हम लोग लौकी का बड़ा, फरा और डांग कांदा बना लिए हैं। अब पूजा करेंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना, आप लोग को पूजा वाला भी ब्लॉग दिखाऊंगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो पर बने रहो। तुलसी माता का जब पूजा किए दोस्तों, उस टाइम का वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लिप डाल दिया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं अनारदाना जलाया हूँ, आप सभी को। तो देख सकते हैं दोस्तों, माँ मैं सिरसिरी चला रहा है, माँ लाइफ में फर्स्ट बार सिरसिरी पकड़ी है दोस्तों। तो ये वाला वीडियो ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।